एक बार गौतम बुद्ध के सभी शिष्य काम से थक कर एक जगह इकट्ठा हुए। वहाँ पर गौतम बुद्ध ने उनको संदेश देना प्रारंभ किया। गौतम बुद्ध ने आज एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाई जिसके पास सब कुछ था पर वह फिर भी दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना प्रारंभ किया कि किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। वह बहुत ठाट से रहता था, फिर भी उस सेठ को शांति नहीं मिलती थी। फिर उस सेठ को एक दिन किसी ने बताया कि गांव में एक ऋषि रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उसे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस ऋषि के पास गया कि मेरे पास धन की कमी नहीं, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरे को शांति मिल जाए। ऋषि ने साधु को अगले दिन धूप में बिठाए रखा और सवेरे कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसे बहुत क्रोध आ रहा था पर उसने किसी तरीके से अपने मन को शांत रखा। दूसरे दिन ऋषि ने कहा, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे पर अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन ऋषि ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर आनंद से खाए। अगले दिन सेठ बहुत परेशान हो रहा था और अच्छी तरह सो भी नहीं पाया। सवेरा होते ही वह चलने को तैयार हो गया, तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, क्या हुआ? उसने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सेठ ने ऋषि की ओर देखकर बोला, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऋषि ने कहा, सेठ पहले दिन जब मैं छाया में बैठा रहा और तुम्हें धूप में बैठाए रखा, इसका अर्थ था कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। मेरी बात तुझे समझ नहीं आई। दूसरे दिन जब मैंने बहुत सारे पकवान का आनंद लिया और तुम्हें भूखा रखा, इसका अर्थ था कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। ऋषि ने कहा, सेठ याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया और शांति भी तुझे अपनी साधना और मेहनत से ही मिलेगी। अब सेठ की आंखें खुल गई थी कि अपनी साधना और मेहनत से ही शांति मिल सकती है। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। वह ऋषि के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए सेठ अपने घर लौट आया।